कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र में वन माफिया धड़ल्ले से बेशकीमती सागवान की कटाई कर रहा है, लेकिन वन अमला अवैध कटाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सागवान प्लांटेशन किया गया है, लेकिन सुरक्षा ठीक से नहीं होने पर आए दिन सागवान के छोटे बड़े वृक्षों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, जबकि विभाग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। थोड़ा मोड़ा क्षति होगा, क्षति का जो है आकलन कर रहे हैं, करने के बाद जो है वनमंडलाधिकारी को निवेदन दिया कर दिया जाएगा, तो उनके द्वारा जो भी निर्धारित करेंगे। तो सवाल पूछने पर उल्टा मीडिया को ही कोसने लगे फॉरेस्ट रेंजर, बैकुंठपुर एसपीओ को शिकायत करने पर हालांकि अब जांच शुरू हो गई है। तो सुकोरिया के सोनहत से खबर बता रहे हैं, जहां पर सागवान के अवैध कटाई का खेल धड़ल्ले से जारी है। बेखौफ होकर वन माफिया सागवान की लकड़ियों को, सागवान के वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। शैलेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, अवैध कटाई सागवान के वृक्षों की धड़ल्ले से की जा रही है, कितने लंबे समय से चल रहा है वृक्षों की कटाई का खेल? जी, मैं बता दूं, मुख्यालय के करीब 2 किलोमीटर दूर जहां पर वन विभाग का कार्यालय है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर पे 2 प्लांटेशन है सागवान के, लेकिन इनपे लगातार अवैध तरीके से कटाई हो रही है और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब आंखें मूंदे हुए हैं। इन पे रोक लगाने का कभी इनके द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे अवैध कटाई जोरों पर लगातार हो रहा है। जी, लेकिन बड़े अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला है ना अब तो शैलेश? जी, जब हमने प्रभारी रेंजर से बात की इस संबंध में तो उन्होंने पूरा दोषी पत्रकारों को ही ठहरा दिया। कैसे दोषी है? उनका कहना है कि पत्रकार खुद अवैध कटाई करवाते हैं और फोटो खींच करके हमें बदनाम किया जा रहा है। जब हमने उच्च अधिकारियों से इस मामले को संज्ञान से लाया तो उन्होंने जांच प्रतिवेदन अपने सभी उच्च अधिकारियों को सौंपा है। जी, मतलब अगर पत्रकार आईना दिखा रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं जाके कि ये अवैध कटाई क्यों हो रही है, तो अधिकारी पत्रकारों को खुद दोषी ठहरा दिए जाते हैं कि आप खुद दोषी हैं, आप खुद कटवाई करवा रहे हैं और आपके हमसे बाइट ले रहे हैं? जी, इस प्रकार का रवैया जो सामने आया है वो पहला क्षेत्र में ऐसा मामला आया है कि पत्रकार जब आईना दिखा रहे हैं तो उनको ही उल्टा दोषी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रेंजर के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन बड़े अधिकारियों से शिकायत की थी तो उनका क्या कहना है शैलेश? बड़े अधिकारियों से जब शिकायत की तो उन्होंने जांच कर अवैध कटाई को लेकर के जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत उच्च अधिकारियों को करने की बात कही है, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया कि पत्रकारों को इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मेरे सामने आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो मेरे संज्ञान में अभी इस संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ एसडीओ साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसडीओ साहब, बहुत स्वागत है। जयजीत साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बताइए। सर, सागवान की लकड़ियों की, सागवान के वृक्षों की अवैध कटाई सोनहत में धड़ल्ले से की जा रही है, सर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये कार्रवाई हुई है सर, अवैध कटाई हुआ था उसकी कार्रवाई हुई है, जब्ती भी की है, बिलगार नहीं की है और में धुलाई भी करवा दी है। लेकिन आप फॉरेस्ट रेंजर तो सवाल पूछने पर ही उल्टा मीडिया को कोसने लगते हैं कि पत्रकार नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर सकता सर, उनकी बात अलग है। मैं तो उन्होंने भी जिससे बात हुई थी, जिन्होंने अपना रिकॉर्ड भी सुनाया था, उनसे बात किया मैंने। हाँ, और व्यक्तिगत उनका उस टाइप का, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ? आपके नेचर में जो बात होगी तो उसको तो आप ही कर सकते हो भाई जी। हम तो अपना भाई आपके साथ सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरे के उसमें क्या मन है उसको तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये कौन तो काट रहा था? इस पे गिरफ्तारी भी हुई है कुछ लोगों की, लोगों पर भी कार्रवाई हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, पता कर रहे हैं। वन माफिया कौन है? उस टाइप का माफिया वाला नहीं लगता है सर, क्योंकि पेड़ को काट के छोटे छोटे हैं, वो बल्ली साइज के हैं, काट करके वहीं पे गिरा दिए और उसको जो छोड़ दिए हैं, कि या तो किसी ने बदमाशी कर रहा था होगा कि कैसे करें,
अगर कोई देने वाला रहता तो काट के ले जाता उसको लकड़ी, लकड़ी नहीं ले गए। ठीक है, कब कब तक लकड़ी इस पूरे प्रकरण की जांच पाएगी, कब तक इस पूरे प्रकरण की जांच हो पाएगी और कब तक दोषियों को सजा मिलेगी? वो जांच हो गया, 2-3 दिन के अंदर में रिपोर्ट दी जाएगी, जो भी अतिरिक्त होगा तो वसूली होगी उनसे। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर डिंडोरी।